तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यार आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इनकी वीडियोस का लिंक है, बल्कि यार हम भी आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि यार जिसके पास लिंक है भाई हमें भी दो, हम भी देखें भाई कि शोर किस बात का है, आखिर इस वीडियो में है क्या जो इतने मशहूर कमेंट्स आ रहे हैं, इतने लोग इसको शेयर कर रहे हैं, देखे तो सही आखिर माजरा है क्या। तो गाइस चाचा इस बात क्या है कि हरीम शाह का टोटा एक दफा फिर से मार्केट में वायरल हो चुका है। जैसे ही नोटों को लगता है कि यार हम लोग आउट ऑफ मीडिया हो गए हैं, फिर से एक टोटा अपना लॉन्च कर देते हैं मार्केट में और फिर से सुर्खी में आ जाते हैं। ये हो गई संदल खटक हो गई और तीन चार और रंग बिरंगी औरतें मार्केट में फिर रही हैं जिनका काम सिर्फ सिर्फ यही है अमान को खराब करना। तो यार मेरा असल सवाल ना हरीम शाह से और ऐसी औरतों से यार कि जिनको मसला होता है कि जब उनकी वीडियो लीक हो जाती है, यार पहले वीडियो बन रही है ना, वीडियो वो छुपा के तो नहीं बना रहे, मेन फोकस पे बना रहे, वाजे हो रहा है जो हरीम शाह देख रही है, फलां बंदा देख रहा है। जब मैं वीडियो आप लोग अपने दोस्तों यारों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को सेंड कर लेते हैं, आगे वो लीक कर देते हैं, फिर आप लोगों को खौफे खुदा याद आता है। ये फैसे खुदा तब याद नहीं आ रहा था जब आप लोग ये हरकतें कर रही होती हो, जब आप लोग ये खुद वीडियो बनवा रही होती हो और खुद जो है ये कारोबार कर रही होती हो, तब खौफे खुदा नहीं होता, तब बिजनेस होता है। जब कोई लीक कर देता भी यार खौफे खुदा। बेसिकली आप लोगों को मसला ये है कि फ्री में वीडियोस क्यों देखी जा रही है, इसके लिए कोई पेड प्रीमियम होना चाहिए था, कोई मतलब कोई सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए थी, फिर खुदा का खौफ भी नहीं आना था, फिर गुस्सा भी नहीं आना था। तो गैस पिछले तीन चार दिन से ट्विटर और फेसबुक पे हम लोग खजल खबर हो रहे हैं कि आखिरकार हरीम शाह का टोटा है किधर। हर कोई कह रहा है कि हरीम शाह का टोटा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हम लोग बड़ी तलाश में, अगर किसी के पास लिंक हो तो हमें भी इनबॉक्स करें। यार मुझे असल हैरानी इस चीज की होती है कि यार इसकी तो शादी हो गई थी, ये तो अपने खावल के साथ खुश बड़ी थी, ये तो तुर्की में जाकर इन्वेस्टमेंट करती फिर थी और बाकियों को भी कह रही थी तुर्की में आओ इन्वेस्टमेंट करो यार, पर मुझे नहीं पता था तुर्की में इन्वेस्टमेंट करते करते वो भाईजान किधर वेबसाइटों की तरफ चली गई है, किधर भाई उसके पास जो इंटरनेशनल बंदे आ रहे हैं वो क्लिप पूरा बनाने को कर रही है, पैसा नहीं मिल रहा तो उनको बाहर निकाल रही है। मतलब यहाँ पे सियासतदानों के साथ जुफियां पपियां टिकटॉक और वहां पे झाड़ू भी लगा रहे हैं और मिलते तरले भी चल रहे हैं। यार ये होता कमाल के पाकिस्तान में देख लिया कि पाकिस्तान में जो भी होता ना, ताकत का नशा और औरत का नशा दो चीज मस्त है, बाहर जाके ये भी सारे हमारी तरह टके टोकरी वाली हरकतें कर रहे होते हैं। तो भाई इस वक्त टिकटॉक के बाद सबसे बड़ा फहाशी का अड्डा पाकिस्तान में बिगो लाइव है, जिसमें चार पांच रंग बिरंगी औरतें और हमारा पाकिस्तानी जॉनी सिंह, भोला रिकॉर्ड साहब, नटर साहब, आयशा, संदल खटक और ये हरीम शाह ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें लोगों को फुल टू और खराब कर रहे हैं कि हमारी वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। सब्सक्राइब के बाद यानी हमारे सवालों के जवाब दें, फहाशी के सवालों के जवाब दें जिससे हमें पैसे आए। तो यार मैंने एक चीज नोट किया कि हरीम शाह का अपने वीडियो से पहले ये क्लेम है कि वो हाफिज कुरान है और उनके पास दो एमफिल डिग्रीज हैं। तो मैं हैरान हूँ कि यार इतनी कम उम्र में उन्होंने सारी नॉलेज हासिल कैसे किया और मतलब इनके पास इतना वक्त आया कैसे है ये सब करने का। पहले तो ये काम करती फिरती हैं, फिर कहती कि मैंने वहां दुबई जाके फलां कमाया, मैंने इतना कमाया, ये मतलब वक्त कब मिल रहा है ये स्टोरियां बनाने के लिए। मुझे लग रहा है डिग्रियां वही हैं जो 50-100 की बाहर से बन जाती हैं ना, ये वही डिग्रियां बना बना लिए फिर रही है, अवाम को पागल बनाया हुआ है कि जी मैं बड़ी हाफिज कुरान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ। और उसके बाद जब ऐसे वीडियो आ जाती है तो खुदा का खौफ उनको याद आ जाता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी वीडियो पसंद आनी चाहिए और उनकी नहीं। उनकी वीडियो पर जाकर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियो पर भी थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाजमी कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए छुट्टी।